नाउ लेट मी कंटिन्यू फ्रॉम द लास्ट स्टॉप। पिछले लेक्चर में मुझको एब्रप्टली एकदम से डिस्कशन रोकना पड़ गया था, मैं वहीं से चालू करता हूं। 29th ऑब्जेक्टिव, हाइड्रोजन एटम एंड ग्राउंड स्टेट एब्जॉर्ब 10.2 ईवी एनर्जी एब्जॉर्ब करके हम अच्छी तरह से जानते हैं इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में चला जाएगा। द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज इंक्रीज बाय, ये तो बिल्कुल सिंपल है। इनिशियल एंगुलर मोमेंटम L1 होगा 1 × h/2π और फाइनल एंगुलर मोमेंटम होगा 2 h/2π। एंगुलर मोमेंटम होता है nh/2π, हेंस द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज L2 - L1 विच वुड बी h/2π। H is 6.6 into 10 to the power minus 34, 2 into pi 3.14, it's a roughly 10 to the power minus 34. Hence, the correct answer should be marked as A. A is the correct answer, the most closest answer. That 30th, which of the following parameters are same for all hydrogen-like atom and ions in their ground state? जितने भी hydrogen-like atoms हैं और hydrogen-like ions हैं, उनके लिए क्या चीज सेम है? हम जानते हैं रेडियस अलग अलग होती है, because radius is given by Rn equal to 0.53 into n square by z armstrong. तो यह अलग अलग Z के लिए अलग अलग होगी। स्पीड भी हम जानते हैं, स्पीड इज गिवन बाय 2.18 इंटू 10 to the power 6 Z बाय N मीटर्स पर सेकेंड। अलग अलग Z के लिए स्पीड भी अलग अलग होगी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी nth ऑर्बिट इज गिवन बाय -13.6 इंटू Z² / n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Z की वैल्यू अलग अलग होने पर एनर्जी भी अलग अलग होगी। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इज गिवन बाय nh/2π। और देखिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ z, तो चाहे हाइड्रोजन हो चाहे हाइड्रोजन लाइक हो, एंगुलर मोमेंटम किसी भी इलेक्ट्रॉन का ग्राउंड स्टेट में, फर्स्ट ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, थर्ड ऑर्बिट में सबका सेम होगा। हाइड्रोजन का भी, हीलियम पॉजिटिव आयन का भी, लिथियम 2 पॉजिटिव आयन का भी, इन सभी का एंगुलर मोमेंटम सेम होगा। हिज द करेक्ट आंसर टू दिस ऑब्जेक्टिव इज डी, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम वुड बी सेम फॉर ऑल द हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस। नाउ द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेट, दैट इज 31st ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम मल्टीपल चॉइस मार्क करेंगे, फटाफट अपने मल्टीपल चॉइस के जो डाउट्स हैं उनको देख लीजिए। 31st ऑब्जेक्टिव, इन अ लेजर ट्यूब ऑल द फोटॉन्स, लेजर ट्यूब में जितने फोटॉन्स होते हैं हैव सेम वेवलेंथ, हैव सेम एनर्जी, मूव इन सेम डायरेक्शन, मूव विद सेम स्पीड। देखिए ए और बी, या तो ये दोनों एक साथ सही होंगे या दोनों एक साथ गलत होंगे। सेम वेवलेंथ होती है तो सेम एनर्जी होगी, और सेम एनर्जी होती है सेम वेवलेंथ होगी, ये दोनों नहीं हो सकते। लेजर ट्यूब में वेवलेंथ और एनर्जी फोटॉन्स की डिफर कर सकती है। मूव इन सेम डायरेक्शन ऐसा भी नहीं है, स्ट्रिक्टली सेम डायरेक्शन नहीं होता है, हल्के से स्कैटर्ड हो सकते हैं। मूव विद सेम स्पीड, हम कहते हैं फोटॉन्स के लिए यह जो डी ऑप्शन है, इन लेजर ऑल द फोटॉन्स मस्ट नेसेसरली मूव विद सेम स्पीड, फोटॉन्स मूव विद सेम स्पीड। हम कहते हैं फोटॉन्स के लिए स्पीड तो हमेशा ही सेम होती है, स्पीड कभी भी डिफर कर ही नहीं सकती, वो चाहे लेजर में हो या कहीं पर भी हो। हेंस द करेक्ट आंसर टू दिस ऑब्जेक्टिव इज डी, ऑल द फोटॉन्स मूव्स विद सेम स्पीड इन अ लेजर ट्यूब। यह ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम एडवांस लेवल यह सेक्शन फिनिश हुआ। अब इसके बाद इसी समय मुझे मल्टीपल चॉइस विद मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, इसमें जो जो आपके डाउट्स हैं यह भी लिखवा दीजिए। 16 ऑब्जेक्टिव मुझे दिख रहे हैं, मैं इनके डाउट्स लिख लेता हूं।
और सॉल्व करना चालू करूंगा, देयर आफ्टर प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस एंड एडवांस लेवल पीएफपी। फटाफट इसे देख लीजिए और अब डाउट्स लिखवाइए अपने आगे। नाउ हियर आई हैव गॉट द प्रॉब्लम्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से, मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से जो मुझसे पूछे गए हैं, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव थर्ड ऑब्जेक्टिव, और मुझे मार्क करवाया गया है 9th, 11th, 12th, 13th एंड 16th। सो नौ ऑब्जेक्टिव है, इसमें से 7 आप लोगों ने पूछा है और पीएफपी के डाउट भी मेरे पास आ चुके हैं। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस के 19th, 21st और 22nd, ऑल्दो पीएफपी पार्ट में से प्रॉब्लम्स रिलेटिवली आसान है। नाउ लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द फर्स्ट मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव। सपोज फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड फोटोन इज एफ नॉट व्हेन इलेक्ट्रॉन ऑफ अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम जंप फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट m टू लोअर स्टेट n। इफ एटम इज मूविंग विथ वेलोसिटी v वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू c एंड एमिट्स अ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी f ड्यूरिंग द सेम ट्रांजिशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर पॉसिबल। F may be equal to F naught, F may be greater than F naught, F may be less than F naught, and F cannot be equal to F naught. Now, इस ऑब्जेक्टिव को, इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में रख जरूर दिया गया है, बट इट्स रियली अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इनफैक्ट इसे समझाने के लिए मैं इसी समय आपको इसी स्टडी पैकेज में थोड़ा आगे लेकर जाऊंगा। आप इसी समय प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस एडवांस लेवल जो बिल्कुल लास्ट प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम नंबर 38, इस प्रॉब्लम पर आ जाए, हम इसे भी इसी समय पढ़ते हैं और इसे भी इसी समय सॉल्व कर लेते हैं, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इससे जो कंक्लूजन आएगा उस कंक्लूजन से हम इस सवाल का जवाब देंगे, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस एडवांस लेवल प्रॉब्लम नंबर 38, यह इसी समय हम पढ़ेंगे। दोनों क्वेश्चन एक जैसे ही है, एक ही बात पूछी गई है, और आप देखिए एडवांस लेवल पीएफपी का जो लास्ट प्रॉब्लम है उसको उन्होंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के फर्स्ट प्रॉब्लम के रूप में रख दिया, उसका जो कंक्लूजन है उससे कंक्लूड करके हम इसका जवाब देंगे, और हमें अच्छा खासा एक एनालिसिस करना होगा। जरा अब इस प्रॉब्लम को भी पढ़ डाले। Consider an excited hydrogen atom in state n moving with velocity u. It emit a photon in the direction of its motion and change its state to lower state m. Apply momentum and energy conservation to calculate the frequency nu of the emitted radiation. Compare this frequency nu naught emitted in rest. Exactly same ही situation है, वहां पर फ्रीक्वेंसी को f और f नॉट के रूप में लिखा गया है, यहां पर फ्रीक्वेंसी को न्यू और न्यू नॉट के रूप में लिखा गया है, पर वही बात है। सबसे पहले एक स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम यह इस स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन m से n स्टेट में आता है और इस दौरान वह एक फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट रेडिएट करता है, और दूसरी सिचुएशन में एक मूविंग हाइड्रोजन एटम जिसकी वेलोसिटी है v एंड दैट वेलोसिटी इज स्मॉल एज कंपेयर टू velocity of light, in this moving hydrogen atom move कर रहा है, और move करते हुए इसमें electron m energy level से n energy level में आता है, इस case में
जो फ्रीक्वेंसी रेडिएट होगी दैट इज न्यू, और हमें अब फ्रीक्वेंसी न्यू और न्यू नॉट को कंपेयर करना है। यही सवाल पूछा गया है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट में, और यही सवाल पूछा गया है प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस एडवांस लेवल 38 में। मैं प्रॉब्लम को दोबारा समझा देता हूं, एक और बार आप ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम को भी पढ़ो और एक और बार आप एडवांस लेवल 38 प्रॉब्लम को भी पढ़ो। व्हाट दैट सेड इज वी नीड टू कंपेयर द रेडिएटेड फ्रीक्वेंसीज। द सिचुएशन वन इज वी हैव गॉट अ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम। स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन एमथ एनर्जी लेवल, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, तब एक फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट एमिट होती है। तो इस सिचुएशन में ऑल्दो 38 एडवांस लेवल प्रॉब्लम करने से पहले हमको और भी इसके पहले जो कुछ प्रॉब्लम है वह करके और भी कंक्लूशंस ड्रॉ करने थे, अब वह सारे कंक्लूशंस में इधर बताते चला जाऊंगा। न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी रेडिएट होती है इस केस में, और दूसरी सिचुएशन की यही हाइड्रोजन एटम स्टेशनरी होने के बजाय यदि मूव करता होता, विच इज मोर प्रैक्टिकल सिचुएशन। एक हाइड्रोजन एटम जनरली मूव करता होता है और उसकी वेलोसिटी लाइट से काफी कम होती है। यह मूविंग हाइड्रोजन एटम मूव करते हुए इसमें इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आता है, और इस सिचुएशन में वह फ्रीक्वेंसी न्यू को रेडिएट करता है। नाउ कंपेयर दिस न्यू एंड न्यू नॉट कि किस तरह से होगी। देखिए सबसे पहली बात, इस केस में जब इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल एम से लोअर एनर्जी लेवल एन में आएगा, दिस इज द एनर्जी रेडिएटेड एंड दिस एनर्जी वुड बी रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट। अब इस जगह पर एक और बात है कि जब यह फोटॉन एमिट होएगा तो यह फोटॉन अपने साथ में कुछ मोमेंटम लेकर जाएगा, और उस मोमेंटम की वजह से इस हाइड्रोजन एटम का रिकॉइल होएगा, और यह हाइड्रोजन एटम पीछे की तरफ कुछ वेलोसिटी से जाने लगेगा, और पीछे की तरफ से जब यह रिकॉइल होएगा तो कुछ एनर्जी इस हाइड्रोजन एटम की काइनेटिक एनर्जी के रूप में भी दिखेगी। बट द मोमेंटम ऑफ एमिटेड फोटॉन इज नेग्लिजिबल, हेंस रिकॉइल मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नेग्लिजिबल, हेंस रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इज नेग्लिजिबल, हेंस काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रिकॉइल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑल्सो नेग्लिजिबल एंड वी कैन ऑलवेज इग्नोर दैट। यह हमने एजम्पशन लगा लिया, इस एजम्पशन को वैलिडेट करने के लिए इस प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस एडवांस लेवल जो है 38 प्रॉब्लम, इसके पहले काफी सारे प्रॉब्लम है जहां पर यह कंक्लूजन है। मैं एक और बात समझाता हूं कि मैं क्या एजम्पशन लगा रहा हूं और कहां पर क्या एडिशनल फिनोमेना होना। ये तो एनर्जी मैंने सीधा लिख दिया, इस एनर्जी को लिखते समय मैंने काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रिकॉइल ऑफ हाइड्रोजन को इग्नोर कर दिया। एग्जैक्टली यह इक्वेशन इस तरह से लिखी जानी चाहिए, ई एम माइनस ई एन विच इज डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी चेंज ड्यू टू डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइटेशन की वजह से इतनी एनर्जी चेंज हुई, यह एनर्जी इलेक्ट्रॉन ने रिलीज करी है, दिस इज अ चेंज इन एनर्जी, दिस वुड बी रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ फोटॉन एंड प्लस सम एनर्जी वुड अपीयर एज द एनर्जी ऑफ रिकॉइल ऑफ हाइड्रोजन। ये रिकॉइल क्यों हो रहा है दोबारा देखें, फोटॉन जब एमिट हुआ तो फोटॉन अपने साथ में मोमेंटम लेकर गया, एंड दैट मोमेंटम ऑफ फोटॉन इज एच अपॉन लैम्डा नॉट। ये फोटॉन का
मोमेंटम होएगा, और इतना ही इक्वल एंड अपोजिट मोमेंटम हाइड्रोजन एटम का होएगा, और इसकी वजह से हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी, और इसकी वजह से हाइड्रोजन एटम के पास में कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी जो हाफ एमवी स्क्वायर लिखी जा सकती है। यह एग्जैक्ट इक्वेशन इस सिचुएशन में हुई, बट अपॉन कैलकुलेशन विल कंक्लूड दैट दिस इज नेग्लिजिबल, यह नेग्लिजिबल है, यह नेग्लिजिबल है। मैं कलर चेंज करके लिखता हूं, ये एमवी स्क्वायर को हमने इग्नोर कर दिया है बिकॉज दिस इज नेग्लिजिबल, दिस एमवी इज नेग्लिजिबल। यह पूरी तरह से इतना कम होता है यह कि इसको आप इग्नोर कर सकते हो, और आप सिंपली यह लिख सकते हो दिस इज फॉर स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम। अब मूविंग हाइड्रोजन एटम में हम कैसे लिखेंगे? मूविंग हाइड्रोजन एटम में हमें इन बातों को कंसिडर करना पड़ेगा। कैसे? सबसे पहले हाइड्रोजन एटम जो वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यह जब एनर्जी को रेडिएट करेगा, जब इसका इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होगा और एक फोटॉन को रेडिएट करेगा, तो इसकी वेलोसिटी में कुछ चेंज आएगा, वेलोसिटी वी से कुछ यू हो जाएगी, और फाइनली यह सिचुएशन दिखने लगेगी। फ्रीक्वेंसी न्यू रेडिएट हो गई और अब हाइड्रोजन की वेलोसिटी कुछ यू हो गई। तो सबसे पहले हम चेंज इन मोमेंटम इक्वेशन लिखेंगे और फिर एनर्जी इक्वेशन लिखेंगे। चेंज इन मोमेंटम इक्वेशन हम इसी तरह से लिखेंगे दैट मोमेंटम ऑफ फोटॉन रेडिएटेड विच इज एच अपॉन लैम्डा एच अपॉन लैम्डा, और लैम्डा की जगह मैं सी बाय न्यू, एच अपॉन सी बाय न्यू, दिस इज मोमेंटम ऑफ फोटॉन एंड दिस वुड बी इक्वल टू द चेंज इन मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम, इक्वल एंड अपोजिट। जितना हाइड्रोजन एटम जितना मोमेंटम फोटॉन लेकर गया है उतना ही हाइड्रोजन एटम का मोमेंटम चेंज हो जाएगा। दिस वुड बी इक्वल टू, हम कहेंगे एमवी इज इक्वल टू एमयू प्लस दिस मोमेंटम, सो दिस वुड बी इक्वल टू एम वी माइनस एम यू, और आई विल से एम इंटू वी माइनस यू इज इक्वल टू एच बाय सी इंटू न्यू। मैं यह मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन पहले इस सिचुएशन के लिखूंगा। मैंने इस तरह से लिखी है इक्वेशन, लिखने का तरीका यहां, इनिशियल मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ फोटॉन। मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन इस तरीके से लिखी गई है, और इसी इक्वेशन को फाइनली मैं इस तरह से लिखा दिख रहा हूं, एमवी माइनस एमयू, एमवी माइनस एमयू इज इक्वल टू पी, एंड दैट पी इज मोमेंटम ऑफ फोटोन। यहां मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन, अब हम एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लिखेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन किस तरह से? भाई एक तो इनिशियल एनर्जी है हाफ एमवी स्क्वायर, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइट होने से जो एनर्जी आई दैट इज ई एम माइनस ई एन, इतनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन के डी एक्साइट होने से आई है।
Now this becomes the final energy, and final energy is half mu square plus energy of photon. यहां हम energy conservation equation लिख देंगे situation के लिए. हमने स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम के लिए तो बिल्कुल साफ कह दिया था कि कोई खास मोमेंटम नहीं है फोटॉन का, कोई खास मोमेंटम चेंज नहीं है, और कोई खास मोमेंटम चेंज नहीं होने की वजह से हाइड्रोजन एटम की के पास में कोई खास वेलोसिटी नहीं है, और कोई खास वेलोसिटी नहीं होने की वजह से कोई खास एनर्जी नहीं है. मगर इस जगह पर हम यह चीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बार हाइड्रोजन एटम मूव कर रहा है, और वहां पर जो एक छोटा सा डिफरेंस दिखेगा वह हमें अकाउंट करना होगा, और किस तरह से वो दिखेगा वह देखते हैं. हमने मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन बना दी, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन बनाने का तरीका एक और बार देखें. इनिशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस उसके पास और भी एडिशनल एनर्जी कहां से आई है, एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से जब लोअर एनर्जी लेवल तक गया है, तो इस एनर्जी ट्रांजिशन के दौरान वहां पर इलेक्ट्रॉन से एनर्जी इतनी और मिल गई है, ईएम माइनस ईएन. दिस इज इक्वल टू हाफ, दिस इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी. फाइनल एनर्जी अब हाइड्रोजन की काइनेटिक एनर्जी है और फोटॉन की एनर्जी है. अब मैं क्या करता हूं, हाफ एम वी स्क्वायर को और हाफ एम यू स्क्वायर को एक साथ लिखता हूं, और हाफ एम कॉमन वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, this is equal to h nu minus em minus en. मैं इस तरीके से लिख देता हूं. अब em minus en, em minus en जो मेरे पास स्टेशनरी ट्रांजिशन हो रहा था उससे मुझे पता है em minus en is almost equal to h nu naught by ignoring this situation. ये जो मैंने assumption इधर लगाया है पक्का है. मैं आगे PFP advanced level के जब relevant problem आएगा जरूर आपको बताऊंगा कि इस जगह पर मैंने यह conclusion पहले ही इस्तेमाल कर लिया है, वहां पर conclude भी करेंगे हम. अब देखिए half m, इसे मैं लिखूंगा v minus u into v plus u is equal to h nu minus h nu naught. हम इस तरह से लिख देंगे इसको. अब आप देखिए m into v minus u is hc by nu. Half इसकी जगह पर मैं लिख दिया hc h nu by c, h nu by c. और v plus u मैं कहता हूं इस फोटॉन के एमिट होने से, जैसे मैंने इधर एक assumption लगाया था कि कोई खास फोटॉन का मोमेंटम नहीं है, कोई खास चेंज नहीं आएगा, एक बहुत स्मॉल चेंज आएगा, वो स्मॉल चेंज इधर तो हमने अकाउंट करा, मगर v प्लस यू, v और u ऑलमोस्ट दे आर नियरली इक्वल, हल्का हल्का डिफरेंस रहेगा, बट v प्लस यू कैन बी अप्रोक्सीमेटेड एज 2v. हम कहते हैं u वुड बी नियरली इक्वल टू This u is very close to v, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, और वो इधर से भी दिख रहा है कि फर्क कितना है, m v minus u h nu by c, h होता है 10 to power minus 34 के रेंज में, और उसके डिनोमिनेटर में c दिख रहा है, this quantity is very small. अब this is equal to h nu minus h nu naught. थ्रूआउट एच कैंसल्ड होता दिख रहा है मुझको, थ्रूआउट एच कैंसल्ड होता दिख रहा है और टू कैंसिल होता हुआ दिख रहा है. अब न्यू की टर्म्स को मैं कलेक्ट कर लेता हूं, न्यू की टर्म्स को मैं कलेक्ट कर लेता हूं, न्यू नॉट की टर्म्स को कलेक्ट कर लेता हूं, और यह इक्वेशन इस तरह से दिखने लगेगी फिर मुझे. न्यू नॉट इज इक्वल टू न्यू माइनस C by or V by C upon nu, V by C into nu, or nu naught is equal to 1 minus V by C into nu
or nu is equal to 1 minus v by c to the power minus 1 into nu naught. हम ऐसे लिख सकते हैं. मैंने इसे रीअरेंज करा, न्यू नॉट को इधर लाया, न्यू की टर्म को इधर ले गया, तो यह इक्वेशन दिखने लगी, यह इक्वेशन दिखने लगी. और फिर 1 माइनस वी बाय सी न्यू को कॉमन लिखते हुए फिर इस टर्म को इधर ले आया, तो मुझे यह इक्वेशन दिखने लगेगी. अब v इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू c, v इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू c, हेंस आई कैन ऑलवेज अप्लाई बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन हियर. And finally, I'll write nu is equal to 1 plus v by c into nu naught. यह मैंने एडवांस लेवल प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस 38 पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करा है और इससे मुझे अब एमसीक्यू फर्स्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है फर्स्ट उसका आंसर बिल्कुल साफ दिखने लगा, क्योंकि यह एडवांस लेवल पीएफपी 38 और यह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट बिल्कुल सेम है. अब आप देखिए, न्यू नॉट इज फ्रीक्वेंसी एमिटेड व्हेन हाइड्रोजन एटम इज स्टेशनरी एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी एमिटेड व्हेन हाइड्रोजन एटम इज मूविंग. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में जो टर्म्स दे रखी है उसमें फ्रीक्वेंसी एफ और एफ नॉट दे रखी है. मैं कहूंगा मूविंग एटम से एमिटेड फ्रीक्वेंसी एफ है, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस वी बाय सी ऑफ फ्रीक्वेंसी एमिटेड व्हेन हाइड्रोजन एटम इज स्टेशनरी एंड ऑब्जर्व दैट दिस एफ इज ग्रेटर देन एफ नॉट. हेंस करेक्ट आंसर टू द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट शुड बी एफ मे बी ग्रेटर देन एफ नॉट. F must be greater than F naught. The correct answer is B. F greater than F naught. यह multiple choice objective first है और खास बात इस objective को समझने के लिए advanced level problem for practice 38 वह अच्छी तरह से करना, उसको समझना, उसके आंसर को समझना, उसके कंक्लूजन को समझना जरूरी है. और यदि यह एडवांस लेवल समझ लिया जाए तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आपको समझ में आएगा कि वह बी होना चाहिए, एफ मस्ट बी ग्रेटर देन एफ नॉट. बड़े ध्यान से इस पूरे प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को एक और बार देख लीजिए, मैं तेजी से समझा देता हूं. स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम में एक इलेक्ट्रॉन एम से एन पर आया तो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन की एनर्जी फोटोन की फ्रीक्वेंसी के रूप में दिखेगी. इसमें हम रिकॉइल वेलोसिटी, रिकॉइल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इग्नोर कर रहे हैं. यह क्यों इग्नोर कर रहे हैं अवश्य बताऊंगा एडवांस लेवल प्रॉब्लम नंबर में, प्रॉब्लम नंबर भी अभी बताता हूं, वहां जब कराऊंगा तो पूरी तरह से यह बात समझ में आएगी कि हमने ऐसा क्यों करा है. लेट मी सी टू इट नाउ. और यह जो मोमेंटम हमने कहा यह नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए हमने काइनेटिक एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम नेग्लिजिबल मानी है. और जब एक हाइड्रोजन एटम मूव करने लगता है तो मोमेंटम कंजर्वेशन इक्वेशन लगाई, एनर्जी कंजर्वेशन इक्वेशन लगाई और फिर थोड़ा मैथमेटिकल जगलिंग करते गए. हमने यह कहा कि मोमेंटम में चेंज आएगा और बहुत हल्का सा आएगा और बहुत हल्के से चेंज के कारण वेलोसिटी में कोई खास फर्क नहीं रहेगा, तो वी प्लस यू को 2v कर दिया और इस तरीके से हमने सिचुएशन को सॉल्व करा. आई वुड लाइक इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को नोट डाउन कीजिए और नोट डाउन करने के बाद बड़े ध्यान से सोचिए, फिजिक्स को समझने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए और इन कंक्लूजन्स को हमेशा के लिए दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए, एटलीस्ट एग्जाम तक के लिए.
Now let's move on to third objective.